शहीदा जी
दोनों अपने पिता के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। और उस दिन भूल से यदि कोई अवज्ञा हो गई हो तो उसके लिए हम महाराज से क्षमा मांगते हैं। आप दोनों कहना चाहते हैं कि आप हमारे पुत्र हैं? जी महाराज। इसका प्रमाण? हम दोनों ने आज तक कभी झूठ नहीं बोला और ना ही हमारे गुरुदेव का लिखा झूठ हो सकता है, इसलिए आपको ये बात माननी चाहिए कि जो कथा हमने आपको सुनाई है वह सत्य है। अब प्रमाण की क्या आवश्यकता है? महर्षि वाल्मीकि जैसे त्रिकालदर्शी ने जो लिख दिया है वही प्रमाण है। अब भी उनसे प्रमाण मांगना अत्याचार है। परीक्षा से बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? और वो ये प्रमाण दे चुकी है, परंतु वो अयोध्या वासियों ने नहीं देखी। देवी सीता को स्वयं आकर अपनी शुद्धता का प्रमाण तो देना ही चाहिए। प्रजा के सामने आकर अपने मुंह से जो कह देगी हम मान लेंगे। ये अन्याय है, ये अत्याचार है, यही धर्माचार है। इसका निर्णय कौन करेगा? प्रकार का कोई पाप नहीं है, फिर भी राज सिंहासन की उच्च मर्यादा स्थापित रखने के लिए यह उचित है कि वह महर्षि वाल्मीकि की अनुमति से कल इस सभा में आकर सारे जन समुदाय के सामने अपनी शुद्धता की शपथ लें, जिससे यह लोकापवाद सदा के लिए समाप्त हो जाए और हम राज सिंहासन पर उन्हें सम्मानपूर्वक बिठा सके।